YGPT संस्था के वलों वातावरण बचाने के लिए वक्ो वक् उपराले किए जाते हैं। इस बार विशेष उपराला किया गया जगराओं पुल के उपर 1200 बूटिया का एक वर्टिकल गार्डन बनाया गया, जिस लोगों शुद्ध हवा वातावरण मिलेगा। बेशक जगराओं पुल उपर जगह की बहुत कमी है, जिस कारण ज्यादा बूटे उत्थे नहीं लगा सकते। इसलिए YGPT वालों एक वर्टिकल गार्डन रोहित मेहरा की मदद तैयार किया गया। बूटे जिथे जगराओं पुल की सुंदरता वधाएंगे, उत्थे लोगों को साफ सुथरी हवा भी मिलेगी। सजा देना चाहांगे कि कुछ भी असि सोचिए कि असि कल्ले की कर सकते हैं, असि कल्ले बहुत कुछ कर सकते हैं। जे असि एक पेड़ भी अपने बच्चे के जन्मदिन पे लगाइए, ता भी असि एक बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन करांगे एनवायरमेंटली। जे तुसी एक पेड़ भी एक साल विच लगा दो, तुहाडे बच्चों नू ऑक्सीजन कल नू प्रोवाइड करेगा। ते YGPT यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन और डू गुड फाउंडेशन वालों असि सारिया का धन्यवाद करना चाहते हैं, जेडे भी अज इत्थे सानू हेल्प करन आया। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक देखिए, पॉल्यूशन देखिए कितना ज़्यादा है, उसको को करते हुए लोगों को सांस की अस्थमा की कितनी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो एक ही चीज़ बचा सकती है दवाइयों के अलावा, वो है प्लांट। सुझाव ये प्लांट्स बहुत आप वो कर सकते हो। आजकल तो प्लांट्स इतने अच्छे आते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, आप अपने कमरों में भी रख सकते हो उन प्लांट्स को, अपने घरों के बाहर, घरों की बाउंड्रीज पे, ऐसे जहाँ ब्रिजेस हैं वहाँ लगाएं। करने के लिए तो बहुत कुछ है, करने का एक जज्बा और दिल होना चाहिए। बहुत जगह प्लांट्स लग सकते हैं, हम काटे भी तो जा रहे हैं पेपर के लिए, उसके लिए कितना प्लांट्स, और वो कटता है, लकड़ी कटता है, तो बहुत जगह है लगाने के लिए, घरों पे, घरों के बाहर, साइड पे, ब्रिजेस पे, सड़क के बीच में, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स रीयूज करी हैं हमने, 400 प्लांट्स अभी तक लगाए हैं।